इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर डालेंगे 2 कप सूजी, 1 कप भर के दही डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। सूजी को फूलते हुए 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए इसके अंदर डालते हैं स्वाद के हिसाब से नमक। 1 कप गाजर डालेंगे, 1/2 कप बीन्स डालेंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है, तो चलिए इसमें से हम आधा हिस्सा दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, दूसरे बाउल के अंदर। और इसे ढक देंगे, ढक के दूसरे साइड में रख देंगे। हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया, तो चलिए हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेते हैं। इडली स्टैंड को ग्रीस करके रेडी कर लिया है, तो चलिए हम इडली बैटर को इसके अंदर डालते हैं। आप इडली बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की है, ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। इस तरीके से घोलने से इसका जो इडली बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इडली स्टैंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। यह इडली स्टीमर भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, मैंने पहले से ही चढ़ा दिया हुआ था गर्म होने के लिए। तो चलिए हम सभी इडली स्टैंड को स्टीमर के अंदर डाल देते हैं, इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक कुक करेंगे। 10 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक इडली ठंडा हो रहा है तब तक हम नारियल का चटनी पीसकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप नारियल लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील के धो के कट कर लिया हुआ है। इसके अंदर डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ पीनट्स 2 टेबल स्पून, 4 हरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, स्वाद के हिसाब से नमक, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका चटनी पीसकर रेडी कर लेते हैं। चटनी पीसकर रेडी कर लिया है। इडली भी हल्का ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने एक रेसिपी को पूरा कर लिया है, तो चलिए अब दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो बैटर निकाल कर साइड में रखा था दूसरे बाउल के अंदर, उसके अंदर डालेंगे हम स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप पानी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसे घोल कर रेडी कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पैन भी मीडियम गर्म हो चुका है, पैन को मैंने पहले से ही हल्के से थोड़े से तेल के साथ ग्रीस करके रेडी कर लिया है, तो चलिए हम 1 कलछी इसके अंदर डाल देते हैं। इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है।
दोनों रेसिपी को पूरा करने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।